पिछले 3 साल से झारखंड उड़ीसा पोर्ट का रसून चोपा मुख्य मार्ग काफी खराब और जर्जर हो चुका है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। आए दिन लोग सड़क दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। रोजाना बड़ी छोटी वाहन खराब भी हो रहे हैं। गाड़ियां पलट रही है लेकिन सुध लेने वाला कोई पदाधिकारी नहीं। वही पोर्ट का विधायक संजीव सरदार की पहल पर आज निरीक्षण करने पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता विनोद कच्छप अपनी टीम के साथ रसून चोपा पहुंचे और साथ ही पोर्ट का विधायक संजीव सरदार भी मौजूद रहे। हाथा से तिरिंग 13.5 किलोमीटर लेंथ है, लेकिन इसमें 3.5 किलोमीटर जो लेंथ है उसका भू अर्जन होने की वजह से 2020 के बाद इसमें काम नहीं हुआ। बरसात के पहले रोड की स्थिति ठीक थी, लेकिन इस बरसात में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं 4-5 स्पोर्ट में, रसूल चौपा और वाली। इसको कल से जो बड़े बड़े गड्ढे हैं उसको ग्रेड 1 और GSBW मटेरियल से भरने के बाद यातायात को सुगम करने के लिए कल से मैंने JCB और इस तरह का जो संवेदक है जो KK बिल्डर्स उसको साथ में लाया है, आदेश दिया है, तो कल परसों से इस पर काम शुरू होगा। आप जानते हैं कि बीच में कैसे पानी जम रहा है।